हेलो वेलकम बैक जीसीसी एकेडमी, मैं रमजान सर। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट का वीडियो होगा। आप लोगों के लिए हम स्पेशल लाए हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से रहिए, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से रहिए। आज हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट क्या होता है, एडिशनल सब्जेक्ट रहने पर क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, क्या एक दो सब्जेक्ट में अगर हम फेल हो जाते हैं तो एडिशनल सब्जेक्ट जो होता है हमारा उसका मार्क्स रिप्लेस होगा या नहीं होगा। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, तो वीडियो के साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर यह कहने का मतलब ये है कि जैसा बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड से रहिए चाहे आप स्टेट बोर्ड से रहिए, 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा और बच्चे ले लेते हैं, चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, दोनों के लिए है। तो एक सब्जेक्ट क्या होता है, एडिशनल होता है। 5 सब्जेक्ट तो जनरली होता ही है, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर 5 सब्जेक्ट है हमारा, यानी कि 6 है एक एक्स्ट्रा है, 5 सब्जेक्ट है, एक में अगर हम फेल हो जाते हैं तो उसका मार्क्स रिप्लेस होगा या नहीं होगा। तो जैसे देखिए, मान लीजिए आपका 5 सब्जेक्ट है, एक एडिशनल हम लिखेंगे, मान लो जैसे कि आप हिंदी हो गया, एक हिंदी हो गया, एक इंग्लिश हो गया, उसके बाद तीसरा मैथ हो गया, उसके बाद चौथा साइंस हो गया और सोशल साइंस हो गया, चलिए पांचवा सोशल साइंस हो गया, और 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गया, 1 2 और ये 3 4 5, टोटल कितने हो गया, 5 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, 5 सब्जेक्ट हो गए, और जिसमें से एक सब्जेक्ट जो है एक्स्ट्रा है, जिसको मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर है, क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर हमारा एडिशनल सब्जेक्ट है, ये है एडिशनल। या आप कह सकते हैं कि जैसे एडिशनल में कुछ भी हो सकता है आपका, चाहे तो कंप्यूटर हो सकता है, चाहे आपका आर्टिस्ट हो, चाहे पेंटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 10th 12th दोनों के लिए। तो 6 सब्जेक्ट हो गए। अब यहाँ पर सवाल उठता है, जैसे देखिए 5 सब्जेक्ट है इसमें और एक एडिशनल है, ठीक है, तो इसमें से अगर एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाते हैं, मान लीजिए पासिंग मार्क्स नहीं आ पाता है, 33 से ज़्यादा अगर नहीं आ पाता है, 33 से कम आ रहा है, 25 26 27 28 30 आ रहा है, ठीक है, तो फेल हो जाते एक सब्जेक्ट में, तो अगर एडिशनल सब्जेक्ट में अगर आप पास है, अगर इसमें पास है, तो ये वाला जो मार्क्स है आपको इसमें रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट सोशल साइंस में आपका आया 30 मार्क्स है, कितना है, 30 मार्क्स है, जबकि पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए ना, 33 मार्क्स चाहिए, तो एडिशनल सब्जेक्ट में मान लीजिए आपने स्कोर किया है 50 मार्क्स। और ये एक बात और देखो, एडिशनल सब्जेक्ट में भी पास होना चाहिए, पास होंगे आप, यानी कि यहाँ भी 33 से ज़्यादा आएगा, 33 से ज़्यादा अगर आएगा ओवर, तभी इसका मार्क्स रिप्लेस होगा सब्जेक्ट के यहाँ पर। लेकिन अगर इसमें कम अगर रहेगा, अगर इसमें भी अगर फेल है, तो फिर इसका मार्क्स ये रिप्लेस नहीं होगा, एक बात याद रखिए। अच्छा, दूसरी बात यह है, देखिए कि इसमें अगर पास है 50 मार्क्स मान लीजिए आया, तो अगर इसमें अगर 30 मार्क्स है, तो इसमें क्या होगा कि जो आप इसमें कम आ रहा है 30 मार्क्स, कम कितना रहा है, 3 मार्क्स हो रहा है। अब सोचोगे कि सर ये 50 मार्क्स है ना, पूरा इसमें रिप्लेस हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 50 आ जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए ये वाला जो है, इसमें कि सिर्फ केवल 3 मार्क्स ही आएगा, इसमें ऐड होगा, रिप्लेस होगा, सिर्फ ओनली 3 मार्क्स आया, कितना, जो पास होने के लिए कितना बच रहा था, 3 मार्क्स बच रहा था, 3 मार्क्स आएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, 33 आ जाएगा, पास हो जाएगा। अच्छा, उसको कंपार्टमेंट नहीं लगेगा, ठीक है, वो पास माना जाएगा। लेकिन जिसका 5 सब्जेक्ट है और एक एडिशनल है, और जिसमें से 2 में से कम आ जाता है, क्या जाता है, 2 सब्जेक्ट में कम आ जाता है पास होने से, तो क्या होगा, एक तो एक सब्जेक्ट में एडिशनल में पास है, मान लो कि 33 से ज़्यादा आ गया, तो क्या होगा, इसका मार्क्स जो है किसी एक ही सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा। अब ऐसा नहीं कि दोनों को कर देगा, नहीं, किसी एक ही सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा, एक ही सब्जेक्ट में जुड़ेगा, बाकी एक सब्जेक्ट जो बच जाएगा उसमें कंपार्टमेंट लगेगा, यानी कि उसका एक आपका कंपार्टमेंट देना होगा। चाहे तो आप दोनों को भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक ही में कंपार्टमेंट दे सकते हैं, ठीक है, जब 6 सब्जेक्ट है और 2 में कंपार्टमेंट आता है, मान लो
कि साइंस और सोशल साइंस में आ गया दोनों सब्जेक्ट में, इसमें पास नहीं हो पाए तो क्या होगा कि इसका मार्क्स जो है एक को रिप्लेस करेगा लेकिन एक बच जाएगा तो फिर आपका एक कंपार्टमेंट लग जाएगा, एक को देना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन वही बात यहाँ पर यह देखिए, जिसका एडिशनल नहीं हो, ठीक है, पूरा 5 सब्जेक्ट हो, क्या है 5 सब्जेक्ट है, तो इसमें से अगर एक भी सब्जेक्ट अगर घट गया यानी कि कम आ गया पास होने से, तो फिर एक में अगर कम आएगा तो एक को कंपार्टमेंट देना पड़ेगा, अगर दो में अगर कम आएगा तो दो में कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। दो सब्जेक्ट से अगर ज़्यादा में अगर आता है, कम मार्क्स आता है पास होने से, तो फिर आप पूरी तरीके से फेल माने जाएंगे, फिर आपको एक साल फिर से बैक होना पड़ेगा और पीछे का जो आपका सेशन है उसके साथ एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये बात हो जाती है जिसका 5 सब्जेक्ट है उसके लिए, तो 5 सब्जेक्ट है, दोनों में अगर कंपार्टमेंट आता है, दो को में नहीं पास हो पाते तो दोनों में आएगा, दोनों को कंपार्टमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, और एक में आता है तो एक को भी दे सकते हैं। लेकिन वही अगर एडिशनल सब्जेक्ट रहेगा, 5 से ज़्यादा एक और रहेगा, 6 सब्जेक्ट रहेगा, तो अगर एक में अगर फेल भी हो जाते हैं, कंपार्टमेंट लगता है, लेकिन आपको कंपार्टमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, इसका मार्क्स यानी कि 6ठा जो सब्जेक्ट होगा एडिशनल वाला यहाँ पर, या जो एडिशनल सब्जेक्ट होगा यहाँ पर, या 6ठा कोई भी, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, तो इसका मार्क्स इसमें रिप्लेस कर दिया जाएगा और फिर आप पास माने जाओगे, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात और फिर से समझ लीजिए, जैसे कि दो गो में अगर कंपार्टमेंट आ गया, इसमें भी देखिए, साइंस में भी कंपार्टमेंट आ गया और ये सोशल साइंस में भी कंपार्टमेंट आ गया, अब इसमें जो है आप पास है एडिशनल में, मतलब कंप्यूटर में पास है, तो फिर आपका ये वाला मार्क्स जो है ना, ये वाला में अगर पास है तो आपका एक मार्क्स को जो है ना रिप्लेस कर देगा, एक मार्क्स को रिप्लेस कर देगा, चाहे तो आप जो है एक को कंपार्टमेंट दीजिए या नहीं दीजिए, फिर भी आप पास माने जाओगे। लेकिन बोर्ड में जो है क्या होता है, चाहे CBSE हो चाहे अदर स्टेट बोर्ड हो, ओनली 5 सब्जेक्ट का ही मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि जो 5 सब्जेक्ट है बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट, ओनली 5 सब्जेक्ट का ही मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा, 6ठा नहीं, ये एक्स्ट्रा ही रहेगा। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि इसको ये हो गया, समझ में आ गया, अब मान लीजिए 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है तो 6 में पास है, जैसे कि ये 5 में पास है, 5 में पास है और एडिशनल वाला में भी पास है, तो फिर उसको क्या होगा, 6 का कैलकुलेट होगा, नहीं, सिर्फ ओनली 5 सब्जेक्ट का ही मार्क्स जो है कैलकुलेट होगा, इसका एक्स्ट्रा में रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ज्यों का त्यों ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा में ऐसा ही रहेगा। अच्छा, और एक बात और याद आ रही थी कि जैसे कि ये 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है 5 सब्जेक्ट है और ये एक 6 सब्जेक्ट है, जिसमें से अगर इसमें कम मार्क्स आता है, जैसे इसमें 33 नहीं आ पाता है, मान लो कि 25 ही आया, जो एक्स्ट्रा है एडिशनल है, तो 25 आया तो फिर आप सोचोगे कि कंपार्टमेंट हो जाएगा, नहीं, एडिशनल सब्जेक्ट में आया है, आपको कम उससे बहस नहीं है, सिर्फ आपको ये जो 5 सब्जेक्ट है मेन, उसमें आपको पास आ रहा है ना, तो फिर आप पास है, इसमें कम है ज़्यादा है उससे मतलब नहीं है, आपको 25 आएगा आप बिल्कुल पास है, आपका कंपार्टमेंट नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पर 5 में पास है ना, तो बस पास है। लेकिन यही अगर 5 में से अगर एडिशनल सब्जेक्ट में पास है, इसमें पास है और इसमें से एक को कंपार्टमेंट लग गया किसी एक में, तो फिर इसका मार्क्स रिप्लेस हो जाएगा और फिर आप आसानी से पास हो जाओगे। अगर 2 गो में कंपार्टमेंट आएगा और इसमें पास है, 2 गो में कंपार्टमेंट है और इसमें जो है आप पास है, तो एक को रिप्लेस करेगा, एक का मार्क्स रिप्लेस करेगा और एक का कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। तो ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो थी आप लोगों के लिए। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि एडिशनल सब्जेक्ट के क्या फ़ायदे होते हैं, इससे क्या क्या फ़ायदा होता है सर, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर किसी भी तरीके का अगर डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर CBSE का स्टूडेंट होंगे क्लास 10th और 12th के, तो व्हाट्सएप का ग्रुप नीचे दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप, उसको लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।